हेलो फ्रेंड्स, केम छो? ठीक छो? मज्जा मा छो? दोस्तों, मिशन रानीगंज का ट्रेलर रिलीज हो चुका है और अक्षय कुमार ने भी अपने FB पोस्ट में पिक्चर डाली थी कि ट्रेलर रिलीज हो चुका है, आप फटाफट जाके देख डालो। तो इस ट्रेलर के बारे में हम बात करेंगे कि मूवी किस तरह की होने वाली है। मिशन रानीगंज का ट्रेलर मैंने देखा एंड इट लुक्स एब्सोल्युटली प्रॉमिसिंग। किसी भी एंगल से ऐसा फील नहीं आ रहा कि ये मूवी 500 करोड़ नहीं करेगी। ट्रेलर में शुरू में ही हमें दिखा दिया गया है कि ये मूवी जो ना एक सर्वाइवल थ्रिलर मूवी होने वाली है, जो आपको एज ऑफ द सीट थ्रिलिंग एक्सपीरियंस देगी और आप जो है ना एज ऑफ द सीट पर बैठकर इस मूवी का मजा लोगे। मूवी एक्चुअली जो है ना एक बायोपिक है, जिसमें हमारे अक्षय कुमार जो है जसवंत गिल साहब का रोल प्ले करने वाले हैं। उन्होंने अपने दिमाग का और ब्रेवरी का इस्तेमाल करते हुए 65 लोग जो कि कोल माइनिंग फील्ड में फंसे हुए थे, उनकी जान बचाई थी। 65 लोग जो कि भाई पानी के घुस जाने की वजह से अंदर फंसे हुए थे। और भाई ये ट्रेलर जो मैंने देखा ना, इसकी जब मैंने कास्ट पर झलक डाली तो भाई लग रहा था कि मूवी जो है ना फाड़ डालेगी। कुमुद मिश्रा, पीयूष जी, इसके अलावा हमारा रवि किशनवा और भाई बहुत से ऐसे कैरेक्टर्स दिखे जिनको देखकर लगा कि मूवी बहुत ही प्रॉमिसिंग है। और अक्षय कुमार का जो कैरेक्टर और लुक नज़र आया ना, और जो जसवंत गिल साहब का वो रोल प्ले कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि भाई ये मूवी जो है ना एक सीरियस मूवी होगी और एक थ्रिलिंग एक्सपीरियंस देगी आपको। और पर्सनली मेरा जो अपना मानना है ना, वो ये है कि इस तरह की मूवियाँ जो सच्चाई पर बेस्ड होती है ना, उसको हमें एक बार लाजमी एक्सपीरियंस करना चाहिए। और ये एक ऐसा मिशन है ना जिसमें से भाई सब ने पीछे हाथ कर लिए थे, और हाथ पीछे करने के बाद 65 जानों की फिक्र किसी को नहीं थी। उस वक्त एक बहादुर ब्रेव आदमी जसवंत गिल, जिसने कहा कि नहीं, हम इन बंदों की जान बचा कर रहेंगे, और एक प्लान दिया। और प्लान क्या दिया, बल्कि एंड में जो ना खुद गए इसे एग्जीक्यूट करने के लिए। तो इस ब्रेवरी को सैल्यूट करना चाहिए, और सैल्यूट करने के साथ साथ ऐसी मूवीज़ को जो है ना हमें प्रमोट भी करना चाहिए। और ट्रेलर देखकर ही अंदाज़ा हो गया कि दिस विल बी अ ब्लॉकबस्टर मूवी और थ्रिलिंग एक्सपीरियंस आपको बहुत अच्छा प्रोवाइड करेगी। और अक्षय कुमार जो ना आपको मैप बनाते हुए भी नज़र आएंगे कि प्लान जो है ये मैं दे रहा हूँ कि किस तरह इन लोगों की जान बचानी है। और ट्रेलर के एंड में जिस तरह वो प्रेयर करते हुए नज़र आए थे ना, एक फील आ रहा था कि भाई ये एक इमोशनल राइड होगी जो कि लोगों की जान से रिलेटेड होगी। और जो भी इस मूवी को एक्सपीरियंस करेगा ना, वो इस मूवी में जो है ना एंड में प्रेयर करने लगेगा और एक थ्रिलिंग राइड का मज़ा लेगा। और जसवंत गिल साहब जो कि जिन्होंने ये ब्रेव काम किया था, उनको सैल्यूट करेगा। तो ट्रेलर देखकर भाई मुझे तो बहुत ही एक्साइटेड हो चुका हूँ इस मूवी को देखने के लिए। मूवी 6 अक्टूबर को रिलीज़ होगी। बाकी अगर आपने ट्रेलर देखा तो आप ये कमेंट करके बताना कि आपको ट्रेलर कैसा लगा, और इसकी कास्ट के बारे में भी बताना कि कास्ट कैसी है मूवी की। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक थप दो, और चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब लाजमी मारना यार, क्योंकि मोहब्बत टू वे होती है, समझ तो गए होगे। मोहब्बत टू वे होती है सर, मोहब्बत दो जगह से चलती है, ऐसे मोहब्बत नहीं चलती। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।